मूवी की शुरुआत में हमें जेफरी को दिखाया जाता है। जेफरी के फादर की तबीयत बहुत खराब होती है, इसलिए वो उनसे मिलने उनके हॉस्पिटल में जाता है। वहाँ पर जेफरी को पता चलता है कि उसके फादर की जान बहुत मुश्किल से बची है। जेफरी जब जंगल के रास्ते से घर आ रहा था, तभी उसे रास्ते में किसी इंसान का कटा हुआ कान मिलता है। उस कान को देखकर जेफरी सोच में पड़ जाता है कि आखिर ये कान किसका होगा। जेफरी उस कान को अपने साथ ले जाता है और सीधे डिटेक्टिव विलियम के पास पहुंच जाता है। वो डिटेक्टिव विलियम को सब कुछ बता देता है कि किस तरह उसे जंगल में ये कान मिला है। विलियम उस कान को फॉरेंसिक लैब में भेज देता है ताकि वो ये पता लगा सके कि आखिर ये कान किसका है। विलियम अपनी टीम को लेकर उसी जगह चला जाता है जहाँ जेफरी को कान मिला था, लेकिन वहाँ पर उन्हें और कुछ नहीं मिलता। रात में जब जेफरी विलियम से मिलने के बाद वापस जा रहा था, तभी बाहर उसकी मुलाकात विलियम की बेटी सैंडी से होती है। सैंडी जेफरी से कहती है कि तुम्हें जो कान जंगल से मिला था, मुझे लगता है कि वो एक सिंगर डॉर्थी का है, क्योंकि मैंने उसके कान देखे हैं। वो कान बिल्कुल उसके कानों के साथ मैच करता है। अब इसी राज से पर्दा हटाने के लिए ये लोग रोज रोज मिलते हैं और एक दूसरे के साथ ये दोनों कम्फर्टेबल होने लगते हैं। ये दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। एक रात विलियम एक्सटर्मिनेटर बन के डॉर्थी के घर पे आ जाता है। वो जैसे ही वहाँ कीड़े मार दवाई छिड़कने लगता है, तभी डॉर्थी के घर पे एक येलो कोट पहनकर आदमी आता है, जिस वजह से डॉर्थी का ध्यान जेफरी पर से हट जाता है। जेफरी बहुत ही चालाकी से डॉर्थी के घर के एक एक्स्ट्रा चाबी अपनी जेब में रख लेता है। बाहर आकर वो ये सब कुछ सैंडी को बता देता है। रात में जेफरी और सैंडी उसी क्लब में जाते हैं जहाँ पर डॉर्थी गाना गाती है। डॉर्थी स्टेज पर गाना गा रही थी, तभी जेफरी और सैंडी वहाँ से जल्दी निकल जाते हैं। सैंडी वहाँ से सीधा डॉर्थी के फ्लैट पर आ जाता है। सैंडी उसे कहती है कि मैं यहाँ पर नजर रखूंगी, जब डॉर्थी आएगी तो मैं 4 बार हॉर्न बजाऊंगी और तुम उसी वक्त बाहर आ जाना। इसके बाद जेफरी डॉर्थी के अपार्टमेंट में चला जाता है, लेकिन उसी वक्त डॉर्थी अपने अपार्टमेंट पे वापस आ जाती है। सैंडी 4 बार हॉर्न बजाती है, लेकिन जेफरी उसे सुन नहीं पाता। डॉर्थी के डर से जेफरी वहीं पर एक क्लोजेट में छुप जाता है, लेकिन ये बात डॉर्थी को पता चल जाती है और वो जेफरी को चाकू दिखाकर बाहर आने के लिए कहती है। बाहर आने के बाद डॉर्थी जेफरी से उसके कपड़े उतारने के लिए कहती है। जेफरी जल्दी से कपड़े उतार देता है। डॉर्थी जेफरी को उसके करीब आने के लिए कहती है, वो उसके साथ संभोग करना चाहती थी। जैसे ही ये दोनों संभोग करना स्टार्ट करते हैं, तभी डॉर्थी के दरवाजे पर कोई आता है और डॉर्थी जेफरी को फिर से क्लोजेट में छुपा देती है। तभी हम देखते हैं कि डॉर्थी के अपार्टमेंट में फ्रैंक आ जाता है। फ्रैंक एक बहुत बड़ा गैंगस्टर है और इसके साथ साथ ही वो पूरे शहर में ड्रग्स सप्लाई करता है। फ्रैंक डॉर्थी को बहुत अब्यूज करता है और साथ साथ ही वो उसे सेक्सुअली असॉल्ट भी करता है, और ये सब कुछ जेफरी क्लोजेट में से देख रहा था। संभोग के दौरान वो डॉर्थी को बहुत मारता है। उसके जाने के बाद जब जेफरी क्लोजेट से बाहर आता है, तो उसे डॉर्थी जमीन पर पड़ी हुई मिलती है। वो उसे उठाकर बेड पर लिटा देता है और उसे कंफर्ट करता है। डॉर्थी उसे वहाँ रुकने के लिए कहती है, लेकिन जेफरी कुछ देर बाद डॉर्थी को वहीं पर छोड़कर बाहर आ जाता है। बाहर आकर जेफरी सैंडी से कहता है कि फ्रैंक ने डॉर्थी के हस्बैंड और उसके बेटे को किडनैप करके रखा है। वो डॉर्थी को ब्लैकमेल करके एक सेक्स स्लेव बनाना चाहता है। डॉर्थी की कहानी बताते बताते जेफरी खुद इमोशनल हो जाता है। अगली रात में जेफरी फिर से डॉर्थी से मिलने के लिए उसके अपार्टमेंट पे आता है। जेफरी के वहाँ आने से डॉर्थी बहुत खुश हो जाती है। इसके बाद ये दोनों संभोग करते हैं। अगले दिन जब जेफरी डॉर्थी का शो देखने के लिए उस क्लब में जाता है, तो वहाँ पर उसकी नज़र फ्रैंक पर पड़ती है। फ्रैंक भी वहाँ पर डॉर्थी का शो देख रहा था। वहाँ पर जेफरी को पता चलता है कि डॉर्थी का शो खत्म होने के बाद फ्रैंक वहाँ पर सभी को ड्रग्स बेचता है। वहाँ से निकलकर जेफरी फिर से डॉर्थी के अपार्टमेंट पे आ जाता है। ये दोनों फिर से संभोग करते हैं, लेकिन जैसे ही जेफरी वहाँ से जाने लगता है, तभी वहाँ पर फ्रैंक भी आ जाता है। वो इन दोनों को एक साथ देख लेता है। फ्रैंक के साथ और भी गैंगस्टर्स वहाँ आते हैं। जेफरी को डॉर्थी के साथ देखकर फ्रैंक को बहुत गुस्सा आता है। वो उन दोनों को किडनैप करके अपने एक साथी के घर पे ले आता है, जहाँ पर उसने डॉर्थी की फैमिली को किडनैप करके रखा था। वहाँ पर वो डॉर्थी को उसकी फैमिली से मिला देता है। इसके बाद वो डॉर्थी और जेफरी को एक बंद मिल में ले आता है, जहाँ पर वो डॉर्थी को अब्यूज करने की कोशिश करता है, लेकिन जेफरी उसे रोकने की कोशिश करता है। इस बात पर फ्रैंक को गुस्सा आता है और फ्रैंक अपने आदमियों से जेफरी को मारने के लिए कहता है। फ्रैंक के आदमी जेफरी को बहुत टॉर्चर करते हैं। जेफरी वहीं बेहोश हो जाता है। सुबह जैसे ही जेफरी को होश आता है, तो वो जख्मी हालत में ही पुलिस स्टेशन चला जाता है ताकि वो विलियम को सारी सच्चाई बता सके। लेकिन वहाँ पर वो उसी येलो कोट वाले आदमी को देखता है
जो डॉर्थी के फ्लैट पर आया था, इसलिए जेफरी जल्द ही वहाँ से वापस आ जाता है। वो सीधे विलियम के घर पे आ जाता है। वो विलियम को सारी सच्चाई बता देता है कि किस तरह फ्रैंक डॉर्थी को ब्लैकमेल करता है और उनका एक ऑफिसर भी फ्रैंक के साथ मिला हुआ है। विलियम जेफरी से कहता है कि इस सबसे मेरी बेटी को दूर रखना, क्योंकि इस सबसे उसकी जान को खतरा हो सकता है। इसके बाद जेफरी सैंडी को लेकर एक पार्टी में आता है, जहाँ पर वो सैंडी के साथ अपनी फीलिंग शेयर करता है। वो उसे कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। सैंडी भी उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है और ये दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। ये दोनों जब वहाँ से वापस आ रहे थे तो एक गाड़ी उनका पीछा करती है। जेफरी को लगता है कि ये फ्रैंक की गाड़ी है, लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि वो गाड़ी दरअसल सैंडी के एक्स बॉयफ्रेंड की है। वो जेफरी पर बहुत गुस्सा करता है। वो नहीं चाहता था कि जेफरी सैंडी से प्यार करे। वो जेफरी को मारने की भी धमकी देता है, लेकिन तभी वहाँ पर जख्मी हालत में डॉर्थी आती है। जेफरी और सैंडी डॉर्थी को सैंडी के घर पे ले आते हैं, जहाँ पर सैंडी को डॉर्थी और जेफरी की रिलेशन के बारे में पता चल जाता है। कुछ देर बाद वहाँ पर एम्बुलेंस भी आ जाती है और हॉस्पिटल के कर्मचारी डॉर्थी को अपने साथ ले जाते हैं। सैंडी जेफरी और डॉर्थी की रिलेशन को लेकर बहुत गुस्सा होती है, इसलिए वो जेफरी को एक थप्पड़ मारती है। वहाँ से निकलने के बाद जेफरी सीधे डॉर्थी के फ्लैट पर आता है। वहाँ पर वो देखता है कि डॉर्थी के हस्बैंड को किसी ने मार दिया है और वो येलो कोट वाला डिटेक्टिव भी वहीं पर अधमरी हालत में होता है। अब जैसे ही जेफरी वहाँ से निकलने लगता है तो वो देखता है कि फ्रैंक भी डॉर्थी के फ्लैट की तरफ आ रहा है, इसलिए जेफरी वापस आकर उसी क्लोजेट में छुप जाता है। तब तक फ्रैंक भी वहाँ पहुँच जाता है। वो जेफरी को सारे घर में ढूंढता है। जेफरी क्लोजेट से निकलकर बहुत ही चालाकी से उस डिटेक्टिव की जेब से गन निकालकर अपने पास रख लेता है और वापस क्लोजेट में छुप जाता है। लेकिन तब तक फ्रैंक को भी पता चल जाता है कि जेफरी क्लोजेट में छुपा हुआ है। वो जैसे ही जेफरी को मारने की कोशिश करता है, जेफरी उसी डिटेक्टिव की गन से उसे शूट करके मार देता है। उसी वक्त वहाँ पर सैंडी भी अपने फादर डिटेक्टिव विलियम को लेकर पहुँच जाती है। अब इस हादसे को कुछ टाइम गुजर जाता है और हम देखते हैं कि जेफरी और सैंडी ने अब शादी कर ली है और वो दोनों हंसते खेलते अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डॉर्थी भी अब अपने बेटे के साथ रियूनाइट करती है और इसी के साथ ये मूवी खत्म होती है। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक और कमेंट कर दीजिएगा और ऐसी ही मूवीज को रोज एंजॉय करने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड